नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। और हम एक बार फिर से हाजिर हैं एक लेटेस्ट वीडियो के साथ। एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से TGT टीचर्स की रिक्रूटमेंट आ गई है। ऑनलाइन मोड में आपको इनके लिए अप्लाई करना होगा और अप्लाई करने की जो अंतिम तिथि है वो है 3 अप्रैल 2020। 5 मार्च 2020 से ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। जहां तक एज लिमिट की बात है, कोई भी कैंडिडेट जिसकी मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 45 साल है वो इनके लिए आवेदन कर सकता है। और जो 45 साल अपर एज लिमिट है, इसमें कैटेगरी वाइज आपको छूट भी प्रोवाइड कराई जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, बिल्कुल विस्तार से देख लेते हैं कितनी वैकेंसियां हैं, किस सब्जेक्ट की कितनी है, कौन कौन आवेदन कर सकता है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन और ऑफिशियल वेबसाइट। तो ठीक है दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस जॉब के लिए तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से जरूर देखिएगा और हमारे इस YouTube चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा। सबसे पहले आप वैकेंसियां ही देख लीजिए। अगर आपके काम की वैकेंसी न हो तो फिर वीडियो आगे न देखना पड़े। ये देखिए, ये काफी सारी पोस्ट है जिनके लिए रिक्रूटमेंट आई हुई है। यहाँ से आप देख सकते हैं अलग अलग क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। अगर आप टीचर के अलावा और भी जॉब देख रहे हैं तो इस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ टीचर्स की रिक्रूटमेंट की बात कर रहे हैं, जो कि यहाँ कैटेगरी नंबर या सीरियल नंबर 22 से स्टार्ट होती है। एलिमेंट्री एजुकेशन TGT मेडिकल ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रिक्रूटमेंट है। पे स्केल है 10,300 से प्लस 34,800 प्लस 3600 का है। जीपी पे स्केल वही है, बिल्कुल रेगुलर टीचर का जो होता है वही है। टोटल वैकेंसियां हैं 136, कैटेगरी वाइज यहाँ दे दी गई है, आप यहाँ से देख सकते हैं। इसी के साथ साथ TGT नॉन मेडिकल के लिए भी वैकेंसियां हैं 144, कैटेगरी वाइज यहाँ दी गई है, आप यहाँ से देख सकते हैं। और एलिमेंट्री एजुकेशन में ही TGT आर्ट्स के लिए वैकेंसी हैं 307, सबसे ज्यादा पोस्ट इसी के लिए हैं। तो यहाँ भी कैटेगरी वाइज आपको दे दी गई है। जहां तक इनके लिए मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात, वो आगे दिया गया है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। उससे पहले आप देख लीजिए, ये रिक्रूटमेंट आ रही है हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से। ये है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट HPSSB.HP.GOV.IN। यहीं पे जाके आपको इनके लिए आवेदन करना है और यहीं पे आपको ये नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। 2 मार्च 2020 को नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस 5 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा, जो कि 3 अप्रैल 2020 रात्रि 11:59 तक जारी रहेगा। अब देख लेते हैं एज लिमिट। एज लिमिट है मिनिमम 18, मैक्सिमम 45। कैटेगरी वाइज यहाँ पे अपर एज लिमिट में छूट भी दी जाएगी। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक जो ये पॉइंट नंबर 5 है ये भी देख लीजिएगा। द कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट इफ ही शी हैज पास्ड मैट्रिकुलेशन एंड 10+2 फ्रॉम एनी स्कूल इंस्टीट्यूशन सिचुएटेड विद इन हिमाचल प्रदेश, प्रोवाइडेड दिस कंडीशन शैल नॉट अप्लाई टू बोनिफाइड हिमाचलीज। तो दोस्तों, अगर आपने 10वीं या 12वीं कक्षा हिमाचल प्रदेश के किसी स्कूल से पास की है तो ही आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आप हिमाचल प्रदेश के स्थायी निवासी हैं और आपने 10वीं और 12वीं कक्षा किसी दूसरे स्टेट से या कहीं बाहर से की है तो भी आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब देखते हैं इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड। ये देखिए, पोस्ट कोड 793, TGT मेडिकल, BSc मेडिकल विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 1 ईयर बैचलर इन एजुकेशन BEd। अगर आपने BSc मेडिकल में 50% अंकों के साथ कर रखी है और BEd कर रखी है 1 साल वाली, तो आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। या आपने 12th के बाद BEEI EEd कोर्स कर रखा है 4 साल का, बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जो कि NCERT के द्वारा कराया जाता है, तो भी आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। या फिर आपने इनके लिए कर रखा है सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 4 ईयर BSc मेडिकल EEd, तो भी आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। और आपका टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि हिमाचल प्रदेश बोर्ड के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, वो क्लियर होना भी आवश्यक है। HPTET क्लियर होना भी आवश्यक है और 5% की पासिंग मार्क्स में छूट दे दी जाएगी। HPTET के जो पासिंग मार्क्स हैं उनमें किन को दी जाएगी? SC ST OBC और फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको। इसके बाद TGT नॉन मेडिकल के लिए BSc नॉन मेडिकल आपने कर रखी हो और उसी के साथ साथ BEd, जो ऊपर क्वालिफिकेशन मैंने आपको बताई थी, वहां जहां भी मेडिकल लिखा हुआ था वहां अब नॉन मेडिकल आ जाएगा। बाकी सेम है क्वालिफिकेशन, वही टेट रिक्वायर्ड है यहाँ भी अगर आपको अप्लाई करना है। इसके बाद अगली वैकेंसी है TGT आर्ट्स की। तो इसके लिए आपने BA BCOM कर रखी हो 50% अंकों के साथ और 1 साल की बैचलर्स डिग्री यानी BEd हो, या फिर आपने BA BCOM 45% अंकों के साथ कर रखी है या और 1 साल की BEd है आपके पास, या फिर सीनियर सेकेंडरी आपने कर रखी है 50% अंकों के साथ और 4 साल का बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन BEEI EEd कोर्स कर रखा है, तो भी आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। सीनियर सेकेंडरी 50% अंकों के साथ और 4 साल का BEEI EEd आपने कर रखा, तो भी आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं।
या फिर आपने बीए बीकॉम 50% अंकों के साथ और एक साल की बीएड कर रखी है स्पेशल एजुकेशन में, तो भी आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आपका टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट ड्यूली कंडक्टेड बाय एचपी ट्रिपल एसबी हमीरपुर और एचपी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला, तो आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। जर्नल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए ₹360 है। जर्नल आईआरडीपी फिजिकली हैंडीकैप्ट वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन ऑफ एचपी के लिए ₹120, एससी ऑफ एचपी एसटी ऑफ एचपी ओबीसी ऑफ एचपी बीपीसीएल ऑफ एचपी ईडब्ल्यूएस बीपीसीएल इंक्लूडिंग एससी एसटी ओबीसी एक्स सर्विसमैन ऑफ एचपी रिवील्ड फ्रॉम डिफेंस सर्विसेज ऑन देयर ओन रिक्वेस्ट बिफोर कंप्लीशन ऑफ नॉर्मल टेन्यूअर, तो एप्लीकेशन फीस है ₹120। फीमेल कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन ऑफ एचपी एक्स सर्विसमैन हु आर रिलीव्ड फ्रॉम डिफेंस सर्विसेज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ नॉर्मल टेन्यूअर ब्लाइंड विजुअली इम्पार्ट ऑफ एचपी के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस इसमें नहीं निर्धारित की गई है। ऑनलाइन मोड में ही आपको अप्लाई करना है। ये है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, यहीं पे आपको यहाँ लेटेस्ट एप्लीकेशन नोटिफिकेशन के सेक्शन में एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा और अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करके आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं कल 5 मार्च 2020 से। तो ठीक है दोस्तों, यही जानकारी आपको प्रोवाइड करानी थी वीडियो के माध्यम से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें और लेटेस्ट टीचर्स की रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई अपडेट पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज और अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।